हेलो नमस्ते, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और प्लीज़ आज मैं बना रही हूँ आप लोग के लिए एक ऑसम जलेबी की रेसिपी, जो मैंने बनाया था बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी है। तो आज अब मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोग के लिए भी जो कैसी बनती है। चलिए देखते हैं जलेबी की रेसिपी। 4 चम्मच मैंने मैदा डाला था इस बड़े चम्मच से। आप मैं इसी मेजरमेंट के हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग को जिस हिसाब से बनाना हो, बट ऐसे बनाए मेजरमेंट से तो बहुत अच्छा लगेगा इस चम्मच से। और 1 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला था, 4 चम्मच में 1 चम्मच इस चम्मच से, देख लीजिए। और ये है बेकिंग पाउडर, उसको मिला के मैं अब इसमें पानी डालूंगी। और पानी थोड़ा हल्का हल्का सा डालिएगा, क्योंकि एकदम से डाल दीजिएगा तो गीला हो जाएगा या ज़्यादा वो लम्स ना आ जाए। तो इसको पहले हल्के हल्के पानी डाल के अच्छे से मिला लीजिएगा। हमने फूड कलर डाल दिया था इसमें, इसका कलर हल्का सा फूड कलर डालिए। ज़्यादा डालने पे बहुत लाल लाल बनाएगा, वो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा आप लोग को। तो बहुत कम मात्रा में फूड कलर डालिएगा, ठीक है। उसकी थिकनेस भी देख ले। अब मैं उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दे देती हूँ, तब तक मैं चाशनी बना लेती हूँ। 1 कटोरी चीनी, 1/2 कटोरी पानी, दोनों को मैं अब दे देती हूँ एक साथ मिला के, गैस पे चढ़ा देती हूँ, देखिए। और आँच बहुत धीमी कर दीजिएगा, क्योंकि आँच तेज़ रहा तो फिर एक तो चाशनी रेडी भी जल्दी हो जाएगी, फिर जब तक आप जलेबी छानिएगा ठंडी हो जाएगी। तो चाशनी को मतलब धीमी आंच पे बनाइए, तब तक मैं आपकी जलेबी भी के बैटर भी फूल जाएंगे और आप बना के अच्छे से रेडी हो जाएगा आपका जलेबी। अब उसमें हमने इलायची पाउडर डाल दिया था, मैंने कूट के ही डाल दिया था, पाउडर नहीं था। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर उसमें भी डाला था, इसमें भी डाल दिया जो अच्छे लगे देखने में। और इस बॉटल का हमने यूज़ किया, अगर आपके पास कोई दूध का पैकेट हो तो उससे भी बना सकती हैं, या इस तरह के बॉटल हो तो बॉटल से ज़्यादा इजी होता है। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, ज़्यादा ना लूज़ हो ना ज़्यादा थिक हो, फिर निकल भी नहीं पाएगी ज़्यादा थिक होगी तो। अगर इस तरह की होगी तो ठीक रहेगी निकलने में भी। इस बॉटल में मैं भर दूंगी अब, और आराम से डाल दीजिए। एक बार में ही बॉटल में भर दीजिए, आराम से बनाइए। अब मेरी तेल गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ जलेबी का बैटर। ये ज़रूरी नहीं है आपकी जलेबी एकदम परफेक्ट शेप में हो, बट टेस्ट इम्पॉर्टेंट करता है, ये टेस्ट ऑसम होनी चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी बात है, जो इतनी मतलब अच्छी बनी है, क्रिस्पी इतनी है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देख सकते हैं आप, पतली पतली और क्रिस्पी जलेबी बनी हुई थी मेरी, हमने 2 बनाया था। और बहुत आप तुरंत चाशनी में डालिए, दोनों तरफ से पलट के लगा दीजिए, उतार निकाल लीजिए चाशनी से। क्योंकि आप ज़्यादा देर चाशनी में रखने पे आपका क्या होगा, ज़्यादा चाशनी वो ले लेगा, फिर उसके वजह से आपको ज़्यादा मीठीपन लगेगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो रहने दीजिए थोड़ी देर, मगर मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ चाशनी में, तुरंत निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छा रेसिपी बनाया है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।